हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, कुछ बातें उनके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियोस महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, सिर्फ स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हो। क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करने के दौरान अगर आपको ना समझ में आए तो अगर आप डाउट्स भी पूछो तो बार बार पूछने पर वो टीचर भी इरिटेट हो जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। थर्डली, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी डाउट्स हो तो आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे अगर आप एंड तक देखो तो वीडियो। और लास्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के थोड़े नीचे जाइए और राइट हैंड साइड में एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स और वो है प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड वीडियो। पिछले दो वीडियोज में मैंने दो प्रैक्टिस सेट्स एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट किया हो तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या सजेस्टेड वीडियोज होंगे तो उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हमें प्रॉफिट या लॉस इन दोनों का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ये बड़ा ही नया टॉपिक है, आप लोग पैनिक ना होइए, क्योंकि कैसा होता था कि हमें जब प्रॉफिट, कोई भी मान लीजिए मैं 50 रुपीज़ प्रॉफिट होता था या 200 रुपीज़ लॉस होता था, हमें सिर्फ अमाउंट मिलता था, लेकिन उसका परसेंटेज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे उसका कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रैक्टिस सेट 33 है, आज वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो मैं इसे रब आउट करता हूँ, थर्ड जस्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 33। देखिए ये मेरे इस चैनल का सबसे छोटा वीडियो होगा, मैं आपको बताने जाओ तो अब तक का बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, तो इसे आप देख सकते हो और शेयर भी करिए दोस्तों को। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे ठीक नीचे आपको रेड बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70 ओपन कर सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो, आप लोग मुझे देख रहे हो तो। देखिए, फर्स्ट सम है, मगन लाल ब्रॉड ट्राउजर्स फॉर ₹400 एंड अ शर्ट फॉर ₹200 एंड सोल्ड देम फॉर ₹448 एंड ₹250 रिस्पेक्टिवली। आर दिस ट्रांजेक्शंस वाज मोर, विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन फॉर्म वाज मोर प्रॉफिटेबल। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में। ठीक है, तो देखो मैं फर्स्ट सम लिख रहा हूँ, इधर हम उस सम को हाफ वे में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखिए, इसमें लिखा गया है कि मगनलाल ब्रॉड ट्राउजर्स एंड अ शर्ट, तो हम क्या करेंगे, ट्राउजर्स का एक साइड लिखेंगे और शर्ट का इस तरह, और शर्ट, ओके। अभी देखो इसमें क्या लिखा है कि ब्रॉड ट्राउजर्स, हम ट्राउजर्स का सबसे पहले देखेंगे फिर शर्ट का लेटर। मगनलाल ब्रॉड ट्राउजर्स फॉर ₹400, तो सीपी कितना होगा ₹400 और सोल्ड डैम, देखिए इधर लिखा है सोल्ड डैम फॉर ₹448 इसका होगा एसपी ऑफ ट्राउजर्स, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रॉफिटेबल पूछा गया है, एसपी माइनस सीपी। देखिए अगर आप माइनस करो तो कितना होगा, ₹48 होगा प्रॉफिट, ओके ये समझ गया। सिमिलरली शर्ट का अगर आप देखो तो सीपी देख लीजिए एसपी, इसका भी क्या बचा हुआ है ₹200 एंड ₹250 प्रॉफिट है ऑब्वियसली, ये भी एसपी माइनस सीपी, मैं डायरेक्ट सॉल्विंग करूंगा तो भी चलेगा क्योंकि देखो 250 माइनस 200 कितना होगा ₹50, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला ₹48 और यहाँ का प्रॉफिट हमें शर्ट का मिला ₹50। यहाँ तक तो सब नॉर्मल ही चलते हैं जैसे आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में किए हो। अभी आपको परसेंटेज निकालना है, वो कैसे करना है आपको देखिए एक सिंपल सा फंडा है, हम क्या करेंगे लेट, हमें परसेंटेज नहीं पता ना, तो हम कैसे लिखे, लेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ट्राउजर्स, मैं टी लिख रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ट्राउजर्स बी एक्स परसेंटेज, ओके। और यहां पर लिखेंगे
लेट द सिमिलरली इधर भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शर्ट्स बी वाई परसेंटेज. ओके, यहाँ पर हमने एक्स परसेंटेज कंसिडर किया, यहाँ पर हमने वाई परसेंटेज कंसिडर किया. ओके, अभी आपको कैसा लिखना है, परसेंटेज है ना, तो एक्स अपॉन हंड्रेड लिखोगे, उसके बाद लिखोगे जो आंसर मिला रहेगा 48, यू गॉट द आंसर है 48, वो लिखोगे और स्कॉच प्राइस वो लिखना है आपको. ओके, आपको एक एक वेरिएबल लेना रहेगा एक्स या वाई, एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 400. 400 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस. हमेशा आपको डिनोमिनेटर में उस जो राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो कॉस्ट प्राइस लेना रहेगा, और न्यूमरेटर आपको वो प्रॉफिट का आंसर वो लिखना रहेगा. ये हो गया. अभी यहाँ पर देखिए वाई परसेंटेज लिया तो वाई अपॉन हंड्रेड होगा, यहाँ पर इक्वल कीजिए. अब देखो यहाँ पर आंसर क्या मिला था, 50 राइट हैंड साइड में देखो 50 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका सी पी कॉस्ट प्राइस 200. ऑल राइट, अभी यहाँ पर इक्वल्स टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो कैसे होगा. 400 एक्स 4 ये कितना होगा 0 0. ओके, इस तरह से. एक सेकेंड है, मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट मैं इसे एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ. आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बोर्ड थोड़ा नीचे हो रहा है. ठीक है, तो मैंने क्रॉस किया, तो देखो 400 × 400x, और ये देखो 48 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो रहा है, 4800. मैं एक्स को साइड में रख रहा हूँ, 4800, ये दो जीरोस कट होंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो आंसर क्या आ रहा है, 12%. ऑल राइट, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हो इस सम को पूरा होने के बाद. आप लोगों को टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाओगे, मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी. ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को मैंने साइड में रखा क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ये दोनों, क्योंकि देखो 400 इक्वेशन आपने किया होगा देखो इस तरह से. जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन. जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, ठीक उसी तरह मल्टीप्लीकेशन का होगा डिवीजन. एक्स को साइड में रखा, यहाँ पर आपको लिखना है 4800 डिवाइडेड बाय 400, ये तो जीरोज मैंने कट किए, ये डिवाइड करना है 4 × 4 = 12%. सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे हम कैसे करना है, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 200y, और ये देखो 50, और ये दो जीरो, y इज इक्वल्स टू 5000, और ये दो कट हुआ. अब बच रहा कितना है, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 2 = 25 2 =, देखते या 25 2 = 50, तो आंसर क्या रहेगा, 25%. अब इन लोग ने क्या पूछा है, देखो ट्राउजर्स का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 12%, और शर्ट का कितना है, 25%. तो इसमें पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल था, किसका परसेंटेज ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो आपको देखना है. तो इधर है आंसर, शर्ट का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज्यादा है. तो आई होप आप लोग ये समझ गए, एक बार पॉज करके देख लो उसके बाद, या फिर रिवाइंड करो इस वीडियो को, एक बार देख लीजिए उसके बाद में इस सम को मैं रबआउट करूंगा. ओके, नेक्स्ट सम, रामा राव ब्रॉट अ कबर्ड. ओके, वो लाया था कॉस्ट प्राइस, ब्रॉट अ कबर्ड फॉर रुपीज 4500 एंड सोल्ड इट फॉर 4950. श्यामराव ब्रॉट अ स्विंग मशीन फॉर 3500 एंड सोल्ड इट फॉर 3920. हुज ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, ये सेक फर्स्ट सम की तरह ही है. ओके, आई होप आप लोग कर पाओगे, ये बहुत ही ईजी है. एक है कबर्ड का और दूसरा है स्विंग मशीन. आप चाहते हो मैं करूँ, ठीक है मैं करता हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कुछ नहीं है. तीन सम्स है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 4500, सोल्ड इट फॉर 4950 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा, देखिए इसे माइनस भी कर सकते हो डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो आई एम सो सॉरी. प्रॉफिट क्या है, 450 रुपीज. देखो ओके 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 okay. इतना तक हो गया अपना. अभी सेविंग मशीन का देखते कितना है, एसपी और सीपी.
इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 3500 और सेलिंग प्राइस 3920। ओके डन। इसके बाद प्रॉफिट देखो, हम माइनस करेंगे तो 3920 420। ओके वी गॉट बोथ द आंसर्स। अब हमें इधर एज कंसीडर करने लेट एक्स परसेंटेज होगा प्रॉफिट परसेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या फिर वाई परसेंटेज होगा। एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर क्या मिला आपको 450 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पर वाई अपॉन 100 इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 3920 नहीं है 3500 कॉस्ट प्राइस लिखना आपको, मैंने गलती है सेलिंग प्राइस का लिखा। ओके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो क्या मिलेगा आंसर आपको 4500 x। इसको इस तरह से डिवाइड करना है, फिर ये दो जीरोस कट होंगे और 10 देखो आंसर मिल रहा है इसका x इज इक्वल टू 10% मतलब 10% प्रॉफिट कवर्ड का हुआ है। अभी इसका देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर कर रहा हूँ 3500 x y y is equals to 420 और दो सॉरी यहाँ पर जगह भी नहीं है, आई एम रियली सॉरी 3500 आई होप आप लोगों को दिख रहा हो 420 और फिर ये दो जीरो जाएंगे, y इज इक्वल टू 4000 42000 है राइट 3500 ये दो जीरो कट होंगे बच रहा क्या है 420 35। जिस देखो इसमें तो मुझे समझ में आ रहा है आंसर है 12%। ओके सो आपको मिला है x 10% ऑफ कबर्ट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कबर्ट कितना मिला 10% और सीलिंग मशीन का कितना मिला 12%। तो इसमें भी ये पूछा है कि दोनों में से कौन किसका ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो सीलिंग मशीन का प्रॉफिट परसेंटेज 12% है एंड इट्स मैक्सिमम इन दिस सम। ओके सो इसे पॉज करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही मैं रब आउट करता हूँ। ओके सर लास्ट सम है थर्ड सम, इसमें लिखा है कि हनीफ ब्रॉट वन बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स, एक बॉक्स है जिसमें 50 एप्पल्स हैं फॉर रुपीज 400, ही सोल्ड ऑल द एप्पल एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज 10 ईच, रुपीज एक एप्पल का 10 रुपीज लेते, वेदर इज प्रॉफिट और लॉस। ओके ये बहुत ही ईजी है, इसमें एक ही चीज़ के बारे में बताया गया वो है एप्पल के बारे में, ठीक है कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 50 एप्पल्स। ओके कितना है सीपी ऑफ 50 एप्पल्स रुपीज 400। उसके बाद लिखा सोल्ड ऑल द एप्पल एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब एसपी ऑफ वन एप्पल कितना है, एक एप्पल का कितना है रेट 10, तो 50 एप्पल का कितना होगा 3 राइट एसपी ऑफ 50 एप्पल्स, हमें वो फाइंड आउट करना है क्योंकि उसने 50 एप्पल्स खरीदे थे, तो कितना होगा 10 50 जस्ट कैलकुलेट आउट 500। ओके सो इट्स प्रॉफिट। ओके 500 रुपीज कॉस्ट प्राइस कितना है 400 और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 50 एप्पल का 500। ओके सो इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट ऑब्वियसली, तो क्या आप चाहते हो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ आप लोग एसपी माइनस सीपी, तो 100 रुपीज हो रहा है। ओके वेल एंड गुड, अब इसका परसेंटेज कैसे निकालना है, एक्स परसेंट लेंगे, एक्स अपॉन 100 ऐसा लिखना है इक्वल्स टू जो आपको आंसर मिला पहले वो लिखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लिखना है। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 400x is equals to okay इस तरह से 20 x is equals to 10,400 denominator में दो कट होंगे कितना होगा 4 divide करो 100 divided by 4 4 1s are 4 4 2s are 8 फिर 5 4s are 20 तो you got answer as 25% तो profit percentage कितना रहा इसका 25% okay तो ये बहुत ही easy रहा तीनों sums।
परसेंटेज के बारे में टॉपिक था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, एक अलग से बनाने का सोचा, या फिर मैं उसके साथ भी जोड़ देता लेकिन वो काफ़ी लेंदी होता प्रीवियस वीडियो। सो आई होप आप लोग ये समझ गए हो। प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।